फाइनली पहुंच गए हैं सीपी। हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम जा रहे हैं सीपी क्योंकि मेरे हस्बैंड का मोबाइल ख़राब हो गया है और नया मोबाइल लेना है। तो आज है दशहरा और अच्छा दिन है तो हमने सोचा आज ही जाकर ले लेते हैं और ये सारे रेडी हो गए हैं, बस हम निकल रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे वन प्लस के स्टोर में। तो यहाँ हम निकल रहे हैं इंडिया गेट के आगे से, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ हमेशा से ही ना बहुत सारे विजिटर्स होते ही हैं और लोगों को बहुत क्रेज़ है ये इंडिया गेट देखने का। पर जो लोकल लोग हैं वो उन लोगों को तो अरसे ही हो जाते हैं यहाँ पे आए हुए, और मुझे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो जस्ट अब हम पहुँच गए हैं अपने सीपी में। तो गाइज हम फाइनली पहुँच गए हैं सीपी और ये अभी बच्चे और हस्बैंड अभी निकलेंगे गाड़ी से बाहर। तो ये बेटा मेरा बाहर आ गया है। कहाँ पे है, कहाँ पे है? अच्छा चल। तो फाइनली हम पहुंच गए ये सीपी और यहाँ पर ये वन प्लस का शोरूम है। मोस्टली लोगों को सबको पता ही है जो डेलाइट्स हैं। तो यहाँ ना हमें एक ही मोबाइल लेने के लिए आए थे, बट इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला कि हस्बैंड पहले ही सोच के आए थे कि मोबाइल एक और लेना है। तो मैंने बहुत मना भी किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक नया मोबाइल था, बट एक मुझे ये नया मोबाइल और गिफ्ट किया गया क्योंकि बस मेरा थोड़े ही दिन में बर्थडे था, तो ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट तो ले ही लिया। साथ में मेरे हस्बैंड ने भी अपना मोबाइल ले लिया। और यहाँ पर हमें ना मतलब मोबाइल लेने में 2-3 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मोबाइल के जो प्रोसेस होते हैं ना, नया मोबाइल पुराने में बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट करनी होती हैं, ऐप्स होते हैं, तो ये सब करते करते ना यहाँ पर 3 घंटे हम खड़े रहे, बहुत थक गए थे। और रात को मेरे ख्याल से 8:30 हो गए थे यहाँ से निकलते निकलते हमें। और फिर हम लेने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे ये सीपी में बच्चों को घुमाने के लिए बस इधर उधर ही घूमते रहे और बस थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर जो बच्चों ने खाना था खाया और उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, मोबाइल कवर्स वगैरह। 8:30 हो गए हैं यहाँ पर मोबाइल लेते लेते, और हम एक मोबाइल लेने आए थे और हमने ले लिए 2 मोबाइल और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो घर पहुंचते ही फिर मैंने ये दोनों मोबाइल मंदिर में रख दिए क्योंकि नई कोई चीज़ लो ना तो एक बार उसको मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। और बच्चे लगे हुए हैं अपना मुंह मीठा करने में क्योंकि मम्मी पापा का नया नया मोबाइल आया है और इनका बचपन यहीं शुरू हो गया है। गाइस ये जो शूट है अब मेरे नए फ़ोन से हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये जो मेथी परांठी बनाई जा रही है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बन रही है क्योंकि आज जो मेरा बड़ा बेटा है ये वापसी जाने वाला है मणिपाल और वहीं पर ये पड़ता है, तो हम बस उसी की पैकिंग कर रहे थे। और थोड़े दिनों बाद दिवाली और टीका आने वाला था तो ये हमने छुटकी से इसका टीका पहले ही करवा दिया था और अब हम इसकी पैकिंग वैकिंग में लगे हुए थे। जाने की तैयारी इसकी हो चुकी थी और इस वक्त बज रहे हैं रात के 11, तो बस अब इसका निकलने का ही टाइम हो रहा है। तो इस वक्त ना मूड बहुत ख़राब हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल भी आने वाले हैं और बच्चा जब आपके साथ नहीं रहता ना तो माँ बाप का जो मूड है ना वैसे ही बहुत भेजते हुए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मेरा भी आज थोड़ा मूड अपसेट था सुबह से ही कि अब बेटा जाएगा तो थोड़ा सा घर भी खाली खाली हो ही जाता है। और फिर हर 2-3 महीने बाद हम इससे मिल पाते हैं, ऐसे ही चला जाता है। पर बीच बीच में हम इसको बुलाते रहते हैं, कभी ज़्यादा मन करता है तो मेरे हस्बैंड इससे बीच बीच में मिलने चले जाते हैं। पर 2 महीने बाद मोस्टली इसका चक्कर हम लगवा ही लेते हैं दिल्ली में। तो बस अब इसके जाने की तैयारी हो गई है और थोड़ा सा सीन इमोशनल हो जाता है इस वक्त जब बच्चे को बाहर भेजो। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।
है।